नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान रिच स्टॉक्स में। सबसे पहले मैं कहूंगा, पहले जो मैंने स्टॉक दिए थे, पहले मैंने चार स्टॉक दिए थे, फिर मैंने सीमेंट के तीन स्टॉक दिए थे। आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने बाई करने बोला होगा और आपने बाई किए हैं, तो बाई करने के बाद ही स्टॉक गिर गया है, किसी भी कारण से गिर गया है। अब जो भी कारण हो गिर गया है, तो आप लोगों को घबराहट हुआ होगा कि अरे यार, मैं तो बाई किया, अब तो लॉस में चला गया, अब मैं क्या करूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि पेशेंस आप में बहुत ज़्यादा होना चाहिए। पेशेंस एंड डिसिप्लिन, स्टॉक मार्केट में हो तो ज़रूर आप में पेशेंस होना चाहिए। अगर पेशेंस नहीं है तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। आपका बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे कि आपका धैर्य की परीक्षा लिया जाएगा यहाँ पे, लेकिन अगर आप फेल हो जाओगे तो पैसा नहीं मिलेगा। और हमेशा मैं जो रेशियो कहता हूँ, इन रेशियो को ज़रूर याद रखना दोस्तों, कि 5:3:2। जब आप सेल करोगे, कोई आपको प्रॉफिट लेना है, तो उसके लिए आप क्या करना है, उल्टा करना है। पहले 5, 10 में से पांचवा हिस्सा बेचना है, फिर तीसरा बेचना है, और लास्ट में 2 बेचना है। और जब आप कोई शेयर परचेस करोगे होल्डिंग के लिए, दैट टाइम यू हैव टू बाई लाइक इन दिस रेशियो 5:3:2। वो आपको कैसे बाई करना है, पहले 2 बाई करेंगे, फिर तीसरा हिस्सा बाई करेंगे, थर्ड, फिर 5। मतलब इस हिसाब से आप अगर बाई और सेल करोगे, देन आप प्रॉफिट पे रहोगे। मैक्सिमम टाइम्स आपका 90% टाइम्स आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। और दोस्तों, ये जो शेयर्स मैं कह रहा हूँ, ये इनको ऐसा भी हो सकता है कि आप जब बाई करोगे थोड़ा सा डाउन होएगा, तो वही 10 रुपये में से 2 रुपये का पहले खरीदना, फिर 5 रुपये का, 3 रुपये का खरीदना, फिर 5 रुपये का खरीदना, तो आपका एक एवरेज प्राइस में आपका बाई हो जाएगा। उसके बाद आप एक अच्छे प्राइस पे इसको बाई करके अपने होल्डिंग रखना कुछ दिनों के लिए, देन जैसे ही प्रॉफिट मिले या टारगेट्स मिले, यू कैन सेल इट एंड टेक प्रॉफिट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं ये कंपनीज का नाम। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक अभी 578 रुपीज़ के आसपास है। इसका टारगेट है 590+, 590+ इसका टारगेट है। तो आप इसको अपने अपने पोर्ट वॉचलिस्ट में रखिए, आप इसको बाई कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक करेंट प्राइस इज 578 और इसका टारगेट है 590+ टारगेट है, ठीक है। इसको अपने टारगेट में रखिए, वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट है गेल, GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल में अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 131.80, 131.80 का है, और इसका टारगेट जो है 164 है। इसका टारगेट प्राइस जो है 164 है। आपको क्या करना है, इसे होल्ड करना है। इसे जिनके पास है वो होल्ड कीजिए, और जिनके पास नहीं है वो बाई कर सकते हैं। इस प्राइस लेवल पे आप बाई करके होल्ड कीजिए कुछ दिन के लिए, और जो मैंने रेशियो बताई उस रेशियो में खरीदिए और इसको होल्ड कीजिए। इसका टारगेट है 164+, ठीक है। थर्ड है वी मार्ट। वी मार्ट अभी चल रहा है 2748.20, 2748.20 का इसका भी प्राइस, करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है, और इसका टारगेट है 3089, 3089। तो आपको इसको होल्ड करना है, जिसके पास है वो होल्ड कीजिए, और जिसके पास नहीं है वो बाय करके रख सकते हैं इस रेशियो में 5:3:2। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, ये शेयर्स का नाम आईसीआईसीआई बैंक, गेल, वी मार्ट। आईसीआईसीआई बैंक, गेल एंड वी मार्ट। आईसीआईसीआई बैंक का टारगेट है 590+, गेल का टारगेट है 164+, एंड वी मार्ट का टारगेट है 3089। समझ में आया? पेशेंस क्रिएट कीजिए। आप अगर सोचोगे, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप सोचोगे कि मैं इंट्राडे करूंगा और पेशेंस होगा, आपको पेशेंस और डिसिप्लिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ही आ सकता है। अगर आप इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे, आप इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि इन्वेस्ट में ऐसा होता है कि आपने आज एक शेयर खरीदा, बहुत अच्छा कंपनी, मान लीजिए बजाज फाइनेंस का ले लिया, ठीक है। आपने एक, मैं एग्जांपल देता हूँ, बजाज फाइनेंस का ले लिया, और जिस दिन सोचा कि मैं आज से इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, बजाज फाइनेंस में आपने दो शेयर ले लिए, और अचानक से उसका 250 पॉइंट लुढ़क गया,
आपका ये हार्ट ना ऐसे ऐसे होने लगेगा, अरे यार मैं तो क्या हो गया यार, ये तो मैं तो डूब गया, बर्बाद हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई बर्बाद नहीं होता, ये आपका पेशेंस को वीक। अगर आप उस ऐसे करके कई बार, अगर कई मतलब स्टॉक्स में अगर ऐसा हालत होगा ना, तो आपका क्या होगा कि ये जो है ना बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तब पेशेंस आप में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तब आप सोचोगे कि चलिए इन्वेस्ट तो खरीद दिया, लॉस में नहीं निकलना है, मुझे देखना है कि इसमें क्या होता है, मैं इन्वेस्ट करता जाऊँगा, अच्छी कंपनी से अच्छी बिजनेस है मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो इसलिए इन्वेस्ट को फॉलो कीजिए, इन्वेस्टिंग रूल्स को फॉलो कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, इंट्राडे में माहिर ज़रूर बनोगे। ठीक है, फिर से कहता हूँ, ICICI बैंक, गेल एंड वीमार्ट, इन तीन स्टॉक को आपको ध्यान में रखना है और आगे बढ़ना है। बाय दोस्तों।